हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, अभी जो है हम फाइनेंशियल ब्रोकर्स को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो लेसन 4, और उसमें जो है 4th सेक्शन वीडियो जो है, मैं उस तरफ आ गया हूँ जी, फाइनेंशियल ब्रोकर। इससे पहले जो है हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात की थी, जिसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक सेविंग सेंटर हो गया, और साथ में जो है आपका इंश्योरेंस कंपनीज होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके बच्चों, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल ब्रोकर्स की मैं बात करता हूँ। जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं, ये भी इनका भी काम जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ पे हैं ये भी मिडल मैन, लेकिन इनका इसमें बैंकर भी शामिल हो सकता है। आई मीन के एक बैंक है कोई, जस्ट लाइक अल्फा बैंक भी है, MCB भी है, ठीक है, आपके पास जो है JS बैंक की जैसे बात की थी। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो कि आपका फाइनेंशियल ब्रोकर सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। तो अब ये होती क्या है सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें। यहाँ PSEX ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी ब्रोकर हैं वो लिस्टेड ब्रोकर जो हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाके जो है तो व्यू कर सकते हैं, उनसे रابطہ कर सकते हैं। अगर कोई शेयर स्टॉक वगैरह की आपने ट्रेडिंग करनी है वो इनसे जो है आप मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल फाइनेंशियल ब्रोकर, अगेन इट इज दे आल्सो अ मिडल पर्सन, मिडल मैन, ठीक है, जो कि एक फ्लो ऑफ फंड जो है को सिक्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ग्रुप से जो है फंडिंग लेंगे और दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर इनमें खास तौर पे जो एज अ ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडिंग अपने पास जमा नहीं करते, ये समझ लें कि दो पार्टीज को जो है ना आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। ये खास तौर पे मिडल मैन या जिसको आप कहते हैं ना कमीशन एजेंट, ठीक है, कमीशन एजेंट है, वो क्या करते हैं, लाइक आप बात कर लेते हैं लाइक इन जो हमारे पास ये रेंट वगैरह पे हमने घर लेना है या प्रॉपर्टी हमने कोई परचेज करनी होती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप जो भी आपके ये जो ब्रोकर जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्कुल इनको हम नाम देते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं, तो हम यही उनके कहते हैं ना कि यार ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इतना प्लॉट या कोई रेंट के लिए घर चाहिए, तो वो आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, उनके नेटवर्क के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वो आपको अवेलेबल बना के देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी एक ऑनर उस प्रॉपर्टी का, या फिर आपके पास जो रेंट पे जो देना चाह रहा है, ठीक है, अपना घर, अपना ऑफिस, तो वो आपको जो है उस तक एक्सेस कराते हैं, उससे मिलाते हैं, ठीक है, तो अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं इनको भी आपने इसी तरह से माइंड में रखना है। इसमें बेसिकली दो किस्म की बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है, दूसरा जो है ना मॉर्गेज बैंकर होता है, ठीक है, ये दूसरा मॉर्गेज बैंकर, ठीक है। अच्छा अब ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, इसको थोड़ा सा जो है हम देख लें, डिस्कस कर लें। देखें जी, इन्वेस्टमेंट जो बैंकर है, मिडल मैन अगेन इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक एंड बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट बैंकर खास तौर पे इसका काम जो होता है कॉर्पोरेट जो स्टॉक होता है ना, ठीक है, और कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी सेल में ये हेल्प करता है। अच्छा अब इसका क्राइटेरिया ये है कि जब भी कोई नई न्यू कंपनीज होती है ना, या इवन दो के ओल्ड कंपनीज ही है, उसने अपने फंड रेज करने के लिए वो डिसाइड करती है कि उसने जो है कोई फंड रेज करना है, तो वो क्या करेगी, अपना जो है ना शेयर्स उसने इशू करने हैं या कोई बॉन्ड वगैरह मार्केट में इशू करके सेल करने हैं, ठीक है। अच्छा कंपनीज ने अपने कोई हेड ऑफिस या अपने कोई भी पॉसिबल जो उसके ऑफिसेज हैं, ठीक है, उसमें वो कोई इन्वाइट नहीं करती इन्वेस्टर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर को, या फिर आपके पास जो बॉन्ड होल्डर हैं कि आए जी ये हमारी कंपनी के बॉन्ड हैं या ये शेयर्स हैं, आके हमसे परचेज कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कंपनीज जो हैं जिनको फंड रेज करना है थ्रू शेयर सेल करके अपने, या फिर बॉन्ड इशू करके, तो ये इन इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही रابطہ करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर से रابطہ करके इन्वेस्टमेंट बैंक जो है हो सकता है कि ये एक ऑफर दे देते होते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो एक बिडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आ जाते हैं। क्या करते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर इस टाइम पे, जो शेयर्स हैं कंपनीज के होलसेल रेट, ये देखे ना एट अ होलसेल, ठीक है, होलसेल रेट पे परचेज करके फिर उसको आगे रिटेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि कंपनी है, वो कहती है कि मैं जो है शेयर इशू कर रही हूँ और इसकी पार वैल्यू है 100, ठीक है, तो ये जो है
रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पारवाली होती है, और ये कंपनी फिर ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, जाहिर है ये पूरे ब्लॉक आई मीन बल्क में ले रहा होता है, ठीक है। अगर 10,000 किसी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, तो हो सकता है कोई बैंकर जाए 5,000 शेयर ले ले, ठीक है, तो कोई दूसरा बैंकर जाए वो 3,000 ले ले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, तीसरा जो है वो 2,000 ले ले, तो इट्स मीन तो 10,000 शेयर को बेचने वाले 3 बैंक हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे फिर ये होलसेल रेट पे परचेज करेंगे, ठीक है। 100 की जो सिक्योरिटी है, शेयर है, ये 98, 96, 95 डिपेंड ऑन नेगोशिएशन विद कंपनी, जो भी एक होगा, तो वो उस पर जो है ये परचेज कर लेते हैं, जिसको आप होलसेल रेट ही कहेंगे, और आगे जो है ये रिटेल करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर आर कंटिन्यूइंग इन बिजनेस ऑफ द मैचिंग यूजर ऑफ द फंड विद द सप्लायर, दे कैन सेल इशू मोर एफिशिएंट देन कैन इशूइंग द कंपनी। वो ये बात कर रहा है कि नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, ऑब्वियसली बात है उसका नेटवर्क होता है, एक ऐसा सप्लायर होता है, ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है परचेज करके मोर एफिशिएंटली जो है कंपनी से, तो वो जो है सेल कर सकता है, रिटेल कर सकता है। फॉर दिस सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंकर रिसीव फी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द सिक्योरिटी टू द पब्लिक एंड द अमाउंट पेड टू द कंपनी, ओके जी। तो यही एक डिफरेंस, जैसे मैं बात कर रहा था होलसेल रेट 98 का उसने कंपनी से परचेज करके 100 का सेल कर दिया, तो वही उसका $2 रुपीज जो भी है पर शेयर उसके किस्म का प्रॉफिट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये था इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिसमें डिफरेंट ऑलरेडी जो मार्केट में बैंकर हैं वो ही शामिल हो सकते हैं, कोई नए नहीं आते, ठीक है। तो अच्छा, मॉर्गेज बैंकर, ये भी आपके मार्केट में जो एग्जिस्टिंग बैंकर जिनको आपने कमर्शियल बैंक का नाम लिया था, डिपॉजिट इंस्टीट्यूट का नाम लिया था, ये भी वही है, ठीक है। तो मॉर्गेज बैंकर सिंपल इन्वॉल्व होते हैं एक्वायरिंग एंड प्लेसिंग द मॉर्गेजेस, जैसे मैंने पहले बात की थी कि ये प्लच करते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, आपके कोई भी एसेट्स हैं, आपके बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या है लोन प्रोवाइड करती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मॉर्गेज बैंक है ये इन्वॉल्व होते हैं आपके रियल स्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, दीज मॉर्गेज कम directly from individual or a business or may typically through the builder, okay जी, builder and the real estate agents, उनके साथ इनका ज्यादा contact होता है, just like आपका ये संतोरस का project है, इसमें भी कई bank involved हैं, ठीक है, 2 से 3 bank ने funding करके जो है इसको बनाया, okay जी। तो ये आपके पास बहरहाल कोई भी इस किस्म के project जो कि real estate से बड़े बड़े plaza जो societies आपकी होती हैं, ठीक है, तो ये सारे इनके back पे जो है mortgage banker involved होते हैं, ठीक है। और खासतौर पे जो आपने कहते हैं ना ये थी इंस्टॉलमेंट प्लान हमारा है, ठीक है, प्रॉपर्टी का एक इंस्टॉलमेंट प्लान आपको जो दिया जाता है, तो वो एक मॉर्गेज बैंकर से ही आप जो है लोन ले लेते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो आपके परचेजर आपके जो कस्टमर हैं जिन्होंने आपसे वो प्रॉपर्टी परचेज की होती है, और फिर उसमें फिर हम यही होता है ना कि पोजेशन आपको वो फौरन ही देते, ठीक है। तो पोजेशन का टाइम आपसे 3 साल का 5 साल का इसीलिए लेते हैं कि आपने बैंक के पास वो सोसाइटी की असल एक रजिस्ट्रेशन होती है, और जब तक बैंक को ये क्लियर नहीं करेंगे, बैंक इनको जो है वो फाइल नहीं देगा, रजिस्ट्री नहीं देगा, ठीक है, और ये आपको आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे आपके नाम पे, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया होता है मॉर्गेज बैंकर्स का कि वो रियल स्टेट या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंपनीज जो है क्या करती हैं उनको वापस करती रहती हैं पैसे, तो वो फिर आपको वो जो भी प्लच की होती है, जो भी आपने पोजेशन में रखी होती है, वो आपको वापस कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, ये मॉर्गेज बैंकर हो गया, आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट, ठीक है जी। स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी, सेकेंडरी मार्केट मीन टू से यूर स्टॉक चेंज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको व्यू भी हो रहा होगा, स्टॉक चेंज कंपनी, ठीक है, स्टॉक चेंज जो है वेरियस सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड मार्केट फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम नॉर्मल। अब मैं सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस कर रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट से मुराद आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ठीक हो गया। तो नॉर्मल यही बात वो स्टार्टअप ले रहा है कि बहुत सारी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज हैं एंड मार्केट फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल, जो भी परचेज करना है, सेल करना है, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट अगर इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। मैंने पहले भी स्टार्ट में इस लेक्चर के बाद की थी कि हमने क्या कहा था कि प्राइमरी मार्केट होती है और कैपिटल सॉरी और सेकेंडरी मार्केट होती है, ठीक है। हर एक
आपके पास मनी या जो कैपिटल मार्केट है उसमें फर्दर आगे उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का नाम दिया था। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है इट डील विद दी रीसेल या ऑलरेडी जो सेल आपके पास सिक्योरिटीज हैं, एसेट्स हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पे ये जो है बात जो है हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या उनमें जो है हम जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। तो परचेजेस एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स अकर इन अ सेकेंडरी मार्केट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, ऑलरेडी सेल हुए हुए हैं, किसी के पास भी है मजीद वो दोबारा सेल करना चाह रहा है, तो उस पर अगर हम बात करें तो वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन इन द मार्केट डू नॉट इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आउटस्टैंडिंग, बट द प्रेजेंस ऑफ द वेरिएबल सिक्योरिटी मार्केट इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, देयरफॉर एनहांस द प्राइमरी एंड डायरेक्टली मार्केट। बहरहाल ये नॉर्मल बात कर रहा है कि आपके पास जो भी सेकेंडरी मार्केट का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, काम करने का, तो उसमें ऐसी बात है जो वैल्यूज हैं उसमें इंक्रीज डिक्रीज भी आ जाता है, और खासतौर पर लिक्विडिटी और फाइनेंशियल एसेट जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो होता यही है कि आपके पास जो भी इनसिक्योरिटीज हैं इनको एक प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा होता है और ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, तो ये एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये सारी एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये सारी एक्सचेंज जो है नॉर्मली इनमें बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर फॉर्म में हो रही होती है, और इतनी एफिशिएंटली हो रही होती है कि आपके पास हो सकता है मोर देन 100 जो आपके पास डीलर है, जो जो है फाइनेंशियल ब्रोकर है, रजिस्टर्ड है, लेकिन आप जिसके थ्रू भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो वो एफिशिएंटली उसको अपडेट करना होता है, ठीक है। तो इन दिस मैचिंग द फोर्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डिटरमिन प्राइस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है, तो जो भी प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, एक और भी आपके पास टर्म है ओवर द काउंटर, ओटीसी, ठीक है। तो ओवर द काउंटर मार्केट सर्व एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर द स्टॉक एंड बॉन्ड नॉट लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज एज वेल फॉर सर्टेन लिस्टेड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ओवर द काउंटर आपके पास ये शेयर्स तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ही इनको जस्ट लाइक बॉन्ड होते हैं ना, ये वो है बॉन्ड कर लें आप, ठीक है, कि कॉर्पोरेट को जो बॉन्ड है इनको जो है हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये ओवर द काउंटर जो है स्टॉक चेंज में नहीं, कुछ बैंक्स को कॉन्टेक्ट दे दिए जाते हैं वहाँ पे जो है ये, या कुछ डीलर्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल ब्रोकर्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो वो जो है इस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग इस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसी के बिहाफ पे जो है वो स्टॉक चेंज में ये समझ लें कि ये जो कुछ बॉन्ड्स होते हैं कंपनीज के या ओवर द काउंटर जो भी सिक्योरिटीज हैं, अंडरस्टूड है कि वो स्टॉक चेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, इसी वजह से वो ओवर द काउंटर हैं, उन पे डील हो रही होती है, उन पे ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये किसी किसी जो है डीलर के पास होते हैं, स्टॉक चेंज में प्रॉपरली उनकी मूवमेंट नहीं होती, ठीक हो गया। तो बहरहाल ये हमारे पास एक नास्डक जो कि एक ऐसा एक अपडेटेड नेटवर्क जिसके बारे में कि ये जितने भी आपके पास ये ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं वो एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन सर्विसेज, ठीक है, तो इस नेटवर्क के थ्रू जो है हम ये अपनी स्टॉक चेन को चला रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर था यहीं तक था, अभी ये असाइनमेंट 2 है, ठीक है, तो इसको जो है एक थ्योरेटिकल ही है जिसमें आपने क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, ठीक है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है इसको आपने बताना है, उसको ओपन करें देखें, ठीक है। और फिर आपने एक दूसरा काम ये करना है कि कोई भी 3 फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज उठाने हैं, ठीक है, और देखना है कि आप उनसे फेमिलियर हों, ऑलरेडी नाम जानते हों, तो फिर उनकी जो फंक्शनैलिटी है कि आया दे आर यूजफुल फॉर फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है और वो एफिशिएंटली जो है इसमें इन्वॉल्व हैं कि फ्लो ऑफ फंड को जो है सक्सेसफुली वो कर भी रहे हैं, ठीक है, या नहीं, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ये नीचे पॉइंट्स लिखे हैं वो आपने जो है डिफाइन करनी है, ठीक हो गया जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।